हेलो एवरीवन, सो इन दिस ट्यूटोरियल आई हैव रिक्रिएटेड दिस काला चश्मा कैटरीना कैफ्स लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्लीन फेस। आई एम गोना डू आईज फर्स्ट। इन दिस लुक कैटरीना इज सपोर्टिंग रियली नाइस सॉफ्ट स्मोकी आईज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग this foundation and I'm going to blend it nicely. Now I'm taking little bit of concealer and I'm a concealer bhi acche se blend kar lungi. Now I'm taking a kohl pencil and I'm just lining my upper lash line. Now with the help of this brush, I am going to blend my eyeliner. और अब इसी ब्रश की हेल्प से ये मैं अपनी क्रीज लाइन तक भी लेके जाऊंगी इसी आईलाइनर को। मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है। एंड अब इस पैलेट में से मैं ये ग्रे कलर ले लूँगी एंड अपने आईलेट्स पे अप्लाई कर लूँगी और उस ब्लैक कोल आईलाइनर में ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। एंड अब मैं वो ही सेम पैलेट में से ये डार्क ब्राउन कलर ले लूँगी। और अब मैं वही सेम पैलेट में से ये लाइट शेड ले लूँगी और ये अपने आईलिट्स पे अप्लाई करूँगी। क्रीज एरिया तक भी इसको लेके जाऊँगी क्योंकि आपने वो पिक्चर में देखा है एकदम नेचुरल मेकअप किया है आई मेकअप कैटरीना ने उस लुक में। सो अभी इस कलर से ये थोड़ा लाइट हो जाएगा एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट शेड में ले रही हूँ ये लाइट ब्राउन। सो इस ब्राउन शेड को मैं अपने आईलिट्स पे लगाऊंगी एंड इसको भी मैं क्रीज एरिया तक लेके जाऊंगी। नेक्स्ट जो मैं शेड लेने वाली हूँ वो है ये पिंक कलर। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई आईलाइनर और आईलाइनर में थोड़ा थिक लगाने वाली हूँ और थोड़ा विंग क्रिएट करने वाली हूँ। मैंने अपने आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर लिया है और वो मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी। मैंने वो ही सेम काजल यूज़ किया है और मैं अपने लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन पे लगा लूँगी। आई मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब बारी आती है फेस की। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ शुगर जेली हाइलाइटर और इसमें मैं मिक्स करूँगी अपना लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन और इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स क्यों किया है, जिससे कि फेस पे एक नेचुरल ग्लो आ जाए एंड नेचुरल शाइन आ जाए। अब मैंने क्या किया है कि मेकअप फिक्सर अपने ब्यूटी ब्लेंडर में स्प्रे किया है जिससे कि मेरा जो बेस है वो काफ़ी समय तक रहे। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर में अंडर आई एरिया पे लगाऊंगी, नोज़ पे लगाऊंगी, थोड़ा सा फोरहेड पे लगाऊंगी और थोड़ा सा लिप्स के पास लगाऊंगी और उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। And now with the help of this loose powder, I will pack my concealer.
एंड मैं कुछ सेकंड्स के लिए लूज पाउडर अपने फेस पे लगा के छोड़ दूँगी, और इतने टाइम में मैं अपने आईब्रोज कर लेती हूँ। याद रखिए कि लूज पाउडर आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है, सिर्फ जहाँ आपने कंसीलर लगाया था वहीं आप लूज पाउडर लगाइए और थोड़ी देर बाद उसको रिमूव कर दीजिए। नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग लूज पाउडर एंड अब यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सो मैं थोड़ा अपने फेस को शेप दूंगी, तो मैं जॉ लाइन पे लगा रही हूँ और अपने चीक बोन पे लगा रही हूँ। तो अब मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर, तो मैं हाइलाइटर लगाऊंगी अपनी चीक बोन के थोड़ा सा ऊपर, अपने क्यूपिड बो पे एंड थोड़ा सा फोरहेड पे, अपने आईब्रोज के नीचे। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैटरीना ने बहुत ज़्यादा नेचुरल मेकअप किया है एंड लिप्स भी एकदम न्यूड रखे हैं, तो यहाँ पे मैं न्यूड शेड ही अप्लाई कर रही हूँ। एंड मैंने फॉल्स आईलैशेस अपने ऑफ कैमरा लगा लिए थे। यहाँ पर मैं लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा हाइलाइटर, अपने लिप्स को थोड़ा शाइन देने के लिए और थोड़ा और नेचुरल लुक देने के लिए। द मेकअप इज डन एंड आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स।